पंजाब दे विच अज पंजाब सरकार दे उपराले दे नाल मैगा पेरेंटल मीट जिहड़ी करवाईयां जा रही ने वक् वक् जिहड़े सरकारी स्कूल ने पंजाब सरकार दे अधीन चलदे उत्थे जिहड़े स्टूडेंट्स ने जां उहनां दे माता पिता नूं मिलण दे लई पंजाब सरकार दे जिहड़े वज़ीर ने उह उचेचे तौर ते पहुंच रहे ने। अमृतसर दे स्कूल ऑफ एमिनेंस दे विच असीं इत्थे मौजूद हाँ छियाड़ा विखे जिथे पंजाब दे कैबिनेट वज़ीर हरभजन सिंह ईटीओ जिहड़े पहुंचे ने तां तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकदे हो हरभजन सिंह ईटीओ जिहड़े ने पहुंच चुके ने इत्थे मेगा पीटीएम इवेंट दे विच अज स्टूडेंट्स दे नाल ते उहनां दे पेरेंट्स दे नाल मीटिंग जिहड़ी है करनगे गल्लबात करनगे। पंजाब दे वख-वख स्कूलां दे विच अज जिहड़ी मेगा पेरेंटल मीट जिहड़ी है करवाई जा रही है अध्यापक मापे मिलनी जिहड़ी है इह स्कूल ऑफ एमिनेंस झाड़ा विखे चल रही है। तो इस तरह ही पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान भी जिहड़े ने वो मेगा पेरेंटल मीट के पहुंचे ने तो पंजाब के तमाम जिहड़े वख-वख सरकारी स्कूल ने उत्थे पंजाब के कैबिनेट वजीर पहुंच रहे हैं। तो अमृतसर के स्कूल ऑफ एमिनेंस के झाड़ा दी तस्वीर ने जिथे पंजाब के कैबिनेट वजीर हरभजन सिंह ईटीओ जिहड़े ने पहुंचे ने दो स्कूलों के उन्हों का प्रोग्राम है। तो इस अमृतसर के अज हरभजन सिंह ईटीओ जिहड़े ने उन्होंने स्वागत के लिए स्टूडेंट्स ने वख-वख जिहड़े ने स्वागत के लिए प्रोग्राम जिहड़े तैयार किए गए हैं बैंड के नाल उन्हों का स्वागत जिहड़ा इस जगह के उत्ते किया जाएगा। तो जिहड़े ब्लॉक्स ने वख-वख ब्लॉक्स के शहीद मदन लाल ढींगरा ब्लॉक्स के जिहड़े स्टूडेंट ने उन्होंने वालों इत्थे उन्हों का स्वागत जिहड़ा है वह किया जा रहा है। तो यह पंजाब सरकार का एक नवेकला उपराला सी कि पंजाब सरकार वालों जिहड़े स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों के इन्हां दे तक अप्रोच की जाए और इन्हां दे पेरेंट्स नाल अप्रोच की जाए तो कि उन्हां नूं कोई मुश्किल जिहड़ी है जेकर आउंदी है तो वह सरकार के तुरंत सीधी वज़ीरां दे ध्यान दे विच लिआंदी जाए। तो इत्थे जिहड़े हरभजन सिंह ईटीओ ने जिहड़े स्टूडेंट्स दे नाल जिहड़ी गल्लबात जिहड़ी कर रहे ने आशीर्वाद उन्होंने इस जगह के उत्ते दे रहे ने तो इस जगह के उत्ते तुसीं देख सकते हो तो पेरेंट्स नूं भी जिहड़ी है वह मिलणगे। तो हरभजन सिंह ईटीओ स्कूल के प्रिंसीपल जिहड़े ने उन्हां दे नाल जिहड़ी है गल्लबात जिहड़ी है वह इस जगह के उत्ते वह कर रहे ने। तो इस जगह के उत्ते जो गल्लबात हो रही है स्वागत तुसी देख सकते हो किया जा रहा है। ईटीओ साहब का गलबात जी है स्कूल के प्रिंसीपल साहब को जानकारी जी है वह लै रहे हैं। तो इस जगह के उत्ते तस्वीर ने सीधिया तो वख-वख पंजाब के जिहड़े कैबिनेट वजीर ने कैबिनेट मंत्री साहबान वह वख-वख स्कूलों के पहुंचे ने। हरभजन सिंह ईटीओ जिहड़े ने अमृतसर जिले के नाल जंडियाला गुरु तो जिहड़े विधायक ने ते पंजाब के कैबिनेट वजीर ने तो स्टूडेंट्स नूं जिहड़े ने उन्हां दा स्वागत कर रहे स्टूडेंट्स नूं हुण सन्मानित कर रहे हैं स्टूडेंट्स का स्वागत कर रहे हैं। तो ये अध्यापक साहबान का स्वागत जिहड़ा कर रहे हैं पेरेंट्स जिहड़े पहुंचे ने छोटे बच्चे तो उन्होंने नाल जिहड़ा है स्वागत जिहड़ा कर रहे हैं। तो बच्चों नूं आशीर्वाद देंदे हुए स्कूल के पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ साहब तुसीं देख सकते हो जिन्हें भी इत्थे स्टूडेंट पहुंचे सी तो एक वधिया जी अज पूरे पंजाब दे विच मेगा पेरेंट्स मीट जिहड़ी आ वो करवाई जा रही है। साडे पंजाब दे सारे स्कूल सिक्ख्या क्रांति वल वध रहे ने। सो जदों 2.5 साल पहला सरदार भगवंत सिंह मान साहब की सरकार आई सी असी उदों लोकां नाल एक बहुत वड्डा गरंटी के रूप के वादा किया सीगा कि असी जड़े स्कूल ने उन्हां नूं सुधारांगे असी मोहल्ला क्लीनिक बनावांगे। सो अज स्कूलां दी जे मैं गल करां तो अज पूरे पंजाब दे विच पेरेंट्स जड़े ने वो बहुत उत्साह दे नाल स्कूलों के आ रहे हैं। मैं दो स्कूल पहला भी विजिट करके आया और पेरेंट्स खुश ने कि उन्होंने बच्चों भी क्वालिटी एजुकेशन जी सरकारी स्कूलों के मिलनी शुरू हो गई है क्योंकि जेडे बच्चे डिप्राइव्ड सैक्शन कह लो सोसाइटी का सीगा उन्होंने म्यारी सिक्ख्या जी नहीं मिलती सी और जिन्ना चिर तक म्यारी सिक्ख्या नहीं मिलती मैं समझता उन्ना चिर तक सूबे का देश का विकास जिहड़ा है वह संभव नहीं हो सकता। सो असी हर संभव कोशिश की आ स्कूल ऑफ एमिनेंस छिहाटा विखे मतलब काफ़ी पेरेंट्स पहुँचे ने और अपने बच्चों की परफॉर्मेंस बारे अध्यापक साहबाना तो जानकारी हासिल कर रहे हैं। अध्यापक एंड मापे आपस दे विच कोऑर्डिनेट करके बच्चों की एजुकेशन होर इंप्रूव करने वास्ते जड़े आ वो विचार उठा मिले। ईटीओ साहब तुसी मिले जे दो स्कूलों पहले भी मिल के आए स्टूडेंट्स के नाल भी तुसी गलबात की है की गलबात हुई है की तुहानू सुझाव दिते ने जे इस बारे तुसी दस देखो
पहला की हुंदा सीगा कि स्कूल दे विच मैनेजर कैंपस मैनेजर नहीं सीगे हुंदे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं सीगे हुंदे। सो असी सब तो पहला तो अध्यापकों के उत्तों जड़ा वाधू काम सीगा वो दा बोझ हटाया, स्कूल दे विच सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किए, कैंपस मैनेजर बनाए, और ईवन बसिस जिवें आप सारे जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के जोड़े विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्होंने स्कूलों दसिस होंदिया ने, असी उस तरह ही बसिस जड़िया सरकारी स्कूलों के भी उन्हों का प्रबंध किया, भी 1200 रुपया जड़ा वो ट्रांसपोर्टर मिलता जिदे 960 रुपये जड़े आ सरकार पा रही है, 240 रुपये जड़े आ वो स्टूडेंट को 4000 रुपया वर्दी वास्ते दिता जा रहा है, बुक्स जड़िया ने फ्री दी जा रही ने, और उन्हां वास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का जड़ा वो बहुत जड़ा वो सुधार जड़ा वो किया। सो पहला ये प्राइवेट स्कूलों के होंगे सी कि पेरेंट्स मीटिंग होंगी सी, हुण सरकारी स्कूलों में भी शुरू हुई है, मापियां का किस तरह का रिस्पोंस आ, मापे की दसते हैं कि इसका की फायदा जड़ा की बेनीफिट जड़ा हुण तक पहुँचे? मापे जड़े ने वो ये गल समझ चुके हैं कि उन्होंने बच्चे भी हुण म्यारी सिक्ख्या हासिल कर रहे हैं, और उन्होंने कॉन्फिडेंस जड़ा बच्चों के वध रहा है। एक जड़ी हीन भावना आँदी सी ना कि असी प्राइवेट स्कूल च नहीं पढ़ रहे, शायद प्राइवेट स्कूल के बच्चे जड़े ने वो ज़्यादा उन्होंने पुछ पड़ताल ज़्यादा उन्होंने फैसिलिटीज़ मिलदियां ने, पर हुण बच्चे एंड उन्होंने जड़े पेरेंट्स ने वो इस गल तो संतुष्ट ने कि उन्होंने भी वधिया तलीम जड़ी आ उन्हां दे बच्चों नूं मिल रही आ, और इहदे नाल जड़ी समाज दे विच हीन भावना जड़ी बच्चों दे विच हीन भावना पैदा हुंदी सीगी, जड़ी कि जदों बच्चे दे विच हीन भावना हो जाए ना वो फिर अखीर तक चलती रहिंदी हीन भावना। चलो तुसीं ईडियो साहब तुसीं जड़ी हीन भावना खत्म करन दी वड्डी गल कीती पेरेंट्स दी, बट एक बहुत सारे जड़े स्कूल ने बॉर्डर एरिए दे, क्योंकि असीं बॉर्डर ते बिल्कुल खड़े आ, ईडियो साहब उन्हां दे रिपोर्ट तुहाडे कोल हैगी, उन्हां दी की रिपोर्ट हुंदी क्योंकि उत्थे टीचर ही नहीं पहुँच पाउंदे उत्थों तक अप्रोच दी? नहीं देखो असीं हर जड़ी असंभव कोशिश के साडे स्कूलों के काफ़ी स्ट्रेंथ बच्चों की काफ़ी स्ट्रेंथ जी आ पिछले समय के जड़ी आ वो वधी आ, और काफ़ी लोग जड़े ने वो प्राइवेट स्कूलों के अपने बच्चों इस वेले हटा के जड़ा वो सरकारी स्कूलों के लगा रहे हैं। तुसीं आ स्कूल देख लो साडा शहाटे का स्कूल, तुसीं पेरेंट्स नाल गलबात कर सकते हो और लॉट ऑफ डिफरेंस, जे 2.5 साल 3 साल पहला दी आपां देख लीए ते अज दी देख लीए उहदे विच बहुत तब्दीली जिहड़ी आ उह आ चुकी आ, और असीं बच्चों कोई एक्सपोजर वास्ते भी कितने डीसी ऑफिस कितने कोई थर्मल प्लांट कोई हाइडल जरा प्रोजेक्ट जां यूनिवर्सिटीज़ दे विच कि उन्होंने इस तो बाद जाके की करना है, वक् वक् डिपार्टमेंट भी जड़े उन्होंने विजिट करा रहे हैं, किसी ने MBA करनी है, किसी ने लॉ करना है, किसी ने इंजीनियरिंग करनी है। सो असी बच्चों एक्सपोजर टीम बना के असी उन्होंने हूँ ही SOE के जोड़े स्कूल ने असी टीम बना दें, और टीम जड़िया ने वो बकायदा वक् वक् एजुकेशनल हायर इंस्टीट्यूशन ज ने जोड़े एजुकेशन के उन्होंने विजिट करते हैं, और अपना वो एक मन बना लेंगे ने कि असी इस तो बाद प्लस टू की पढ़ाई तो बाद असी की करना चाहते देखो अज जड़ी टेक्निकल समझ लो योगा हर चीज़ जड़ी आ वो एडवांस होई जा रही है। सो साडे कुछ अध्यापक असी पिछले दिन फिनलैंड भेजे सीगे, और उहदा मकसद यही आ कि जड़े टीचिंग मैथड्स ने जिहड़े डिवेलप्ड देशों के टीचिंग मैथड अपनाए जाते हैं वो टीचिंग मैथड साडे अध्यापक साहबान उत्थों सीख के आउण, और उन्हां नूं असीं पंजाब दे विच लागू करिए और सिख्या दे विच इंप्रूवमेंट जी हो सके। जी मेंटल हेल्थ आ इससे भी जो स्कूल हूँ काम जरूरी करना चाहिए, क्योंकि अच्कल देखिए जाए तो सोशल मीडिया के करके ज़्यादा मोबाइल फोन यूज करने के करके बच्चा जो पेशेंस एंजाइटी। नहीं देखो असी मॉरल एजुकेशन स्कूलों के अध्यापक प्रोवाइड करते हैं, और बकायदा जोड़े कॉन्टैक्ट्स ने अज का जोड़ा मैगा मीट आ ये तो देखो ना कि पेरेंट्स तो अध्यापक जे कितने बच्चे की प्रॉब्लम आ घरेलू पद्धर से कोई वो टीचर्स नाल सांझी कर रहे हैं, टीचर्स की कोई प्रॉब्लम आ वो पेरेंट्स नाल सांझी कर रहे हैं। सो ये जी डिस्कशन आ बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन आ, क्योंकि रेगुलर इन टच रहिंदे ने बस जिहड़ा तुहाडी कॉन्स्टिट्यूएंसी 100-150 स्कूल ने? नहीं बिल्कुल रहिंदे आ जी, मैं तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सारे स्कूल विजिट किए ने, मैं आप अध्यापक रहा मैनू स्कूल स्कूलों के नाल वैसे भी प्यार आ बच्चों के नाल, क्योंकि मैं चाहुंदा हां कि साडे बच्चे जिहड़े आ वो तजर्बा कोई साझा कर दो कि कैसे दीआं मुश्किलां हुंदीआं सीगीआं ते अज्ज
ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮੇਜਰ ਸਾਡੇ ਫੋਕਸ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਫੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ OPD ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। 150-150 ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ DO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਗਿਆ, ਔਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ 250 ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 272 ਬੱਚੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ 34 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਧੀਮੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਆ ਝੋਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਅੜਚਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
अमृतसर दिया ने जिथे स्टूडेंट्स नू हरभजन सिंह ईडीओ जिहड़े ने उन्हां दा उत्साह जिहड़ा है वह वधा रहे ने पेरेंट्स के नाल गलबात जिहड़ी है वह इस जगह के उत्ते कर रहे ने वक्त वक्त पेरेंट्स भी इत्थे जिहड़े ने मौजूद ने और स्टूडेंट्स वालों भी स्वागत किया गया तो लंबी गलबात की है हरभजन सिंह ईडीओ साहब ने उन्होंने कहा है कि बच्चों के पहला एक हीन भावना कितना कितने रही थी कि वह सरकारी स्कूलों के जोड़े बच्चे पढ़ते हैं वो प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों का जोड़ा मुकाबला वो नहीं कर पाते तो पंजाब सरकार ने एक वड्डा उपराला किया कि सरकारी स्कूल के पढ़ते स्टूडेंट जोड़े ने उन्होंने अजिहा म्यार दिता जाए कि वह प्राइवेट स्कूल के बच्चे विद्यार्थियों का मुकाबला जोड़ा कर करना उन्होंने सहूलत दी जा फैसिलिटीज़ दी जाए बिल्डिंग्स दी जा टीचर साहबान जोड़े ने वो पूरे किए जाता कि सरकारी स्कूलों के जी कोई मुश्किल आती है तो उसका जी उन्होंने दूर किया जाए तो उसको लैके गलबात जी की और लगातार पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी की जी सरकार से इन्होंने पहला जी गल जे दो मुद्दों के उत्ते जी गल की तो उस गया कि सेहत को लैके तो नाल ही एजुकेशन को लैके सरकार विशेष तौर के उत्ते जिहड़ा वो काम करेगी तो इस जगह के उत्ते तुसी देख सकते हो विद्यार्थियों के नाल तस्वीर जिहड़ियां ने वो इस जगह के उत्ते करवा रहे ने तो वक्क वक्क टीचर साहबान दे नाल जिहड़ी है उन्हां नाल गलबात भी की है प्रिंसीपल मनमीत कौर भी इत्थे जिहड़े ने वो मौजूद ने तो इत्थे जिहड़ी उन्होंने कहा कि गलबात जिहड़ी वो करनगे ते नाल ही कर गलबात करके जी है वो इतों जोड़े जाएंगे तो जल्दी जल्द ईडीओ साहब के नाल एक जे बिल्कुल मिल रहे हैं तुसी देख सकते हो तस्वीर के तो बिल्कुल इस जगह के उत्ते NCC के जोड़े स्टूडेंट इस जगह के उत्ते उन्होंने पायलट जोड़ा करके लैके जाएंगे पंजाब के कैबिनेट वजीर हरभजन सिंह ईडीओ का NCC के कैडेट जोड़े ने स्वागत कर रहे हैं तो ये स्कूल ऑफ एमएस दी तस्वीर ने सीधिया अमृतसर दियाँ जिसे शानदार स्वागत जोड़ा है जा रहा है ईडीओ साहब का पंजाब के कैबिनेट वजीर हरभजन सिंह ईडीओ तुम देख सकते हो इतने जेडे अमृत स्कूल ऑफ एमिनेंस जिते उन्होंने स्वागत जोड़ा किया गया एजुकेशन को लैके जी सरकार ने पॉलिसी जी बनाई है तो उसनों लागू पूरी तरह किया जाए तो इस लैके जे हरभजन सिंह ईडीओ ने जोड़े वो अज अमृतसर स्कूल ऑफ एमिनेंस के पहुँचे ने तो इस तुम बाद जी लगा गलबात जी है वो करे टीचर साहबान के नाल भी जी जानकारी जो अज उन्हों की मीटिंग हुई है तो उस तो बाद जी रिपोर्ट है उन्होंने भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री साहब न जी दी जाएगी और जो गलबात हुई है और जेकर कोई मुश्किल सामने आदियां ने तो उन्होंने हल जोड़ा है वह भी किया जाएगा सरकार के ध्यान देता व्डा उपराला है मेगा PTM जी अच्छे सारे पंजाब करवाई जा रही है खुद मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जड़े ने सरकारी स्कूलों के पहुंचे ने पंजाब के तमाम कैबिनेट वजीर भी पहुंचे ने तो अमृतसर के स्कूल ऑफ एमिनेंस झाड़ा विखे पंजाब के कैबिनेट वजीर हरभजन सिंह ईडीओ खुद पहुँच के पेरेंट्स को मिल रहे हैं टीचर साहबान मिल रहे हैं कैमरा परसन मुकेश बाबा के नाल गगनदीप शर्मा दैनिक सवेरा TV अमृतसर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।